भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को इंटरनेशनल लेवल पर उतने मौके नहीं मिले हैं। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सैमसन को अपनी टीम की ओर से खेलने का ऑफर दिया है। हालांकि सैमसन ने आयरिश बोर्ड के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सैमसन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ हुई 3 मैचों के वनडे सीरीज में भी टीम का पार्ट नहीं थे। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लगातार खेलने के मौके नहीं मिल रहे हैं। संजू सैमसन ने 2015 में ही इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था, इसके बावजूद वो कुल मिलाकर 27 मुकाबले ही खेल पाए हैं। टीम से लगातार बाहर किए जाने के कारण भारतीय टीम मैनेजमेंट और BCCI को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सैमसन को अपनी टीम की ओर से खेलने का ऑफर दिया है। जानिए संजू ने दिया दिल छूने वाला जवाब। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन का आश्वासन दिया है कि अगर वो अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनके देश आ जाते हैं तो वो सभी मुकाबले में खेलेंगे। हालांकि सैमसन ने आयरिश क्रिकेट बोर्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सैमसन ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी दूसरे देश के लिए खेलने पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर रहते संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप और एशिया कप 2022 के लिए भारत टीम में नहीं चुना गया था। सैमसन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ हुए 3 मैचों के एक दिवसीय सीरीज में भी नहीं थे। हालांकि सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में जरूर शामिल थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस साल अक्टूबर के महीने में हुई 3 मैचों के एक दिवसीय सीरीज के दौरान संजू सैमसन अच्छे टच में दिखे थे। सैमसन ने पहले वनडे मुकाबले में नाबाद 86 रन बनाकर भारत को लगभग जीत दिला दी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचों में उन्होंने क्रमश नाबाद 30 और 2 रन बनाए थे। भारतीय टीम उस सीरीज को 2-1 से जीतने में सफल रही थी। संजू सैमसन का इंटरनेशनल रिकॉर्ड। 28 साल के संजू सैमसन ने अब तक भारत के लिए 16 T20 इंटरनेशनल में 21.14 की औसत और 135.15 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं। संजू ने सिर्फ 11 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर संजू सैमसन को ऋषभ पंत जैसे प्लेयर की तुलना में भारत के लिए खेलने की काफ़ी कम मौके मिले हैं। आयरिश क्रिकेट बोर्ड को ऐसे प्लेयर की खोज है जो शानदार बल्लेबाजी के साथ ही कप्तानी भी कर सके। अगर संजू सैमसन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उन्हें भारतीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कहना पड़ता। भारतीय अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया और अब वो अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं।